शनिवार को अखिल भारतीय पाल महासभा उत्तर प्रदेश की प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमारी पाल के नेतृत्व में जनपद भर के पाल समाज के लोग मंडल आयुक्त कार्यालय पर एकत्रित हुए और मांगों का एक ज्ञापन मंडल आयुक्त आंजनेय कुमार सिंह को सौंपा। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि मुरादाबाद लाइन पर स्थित लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर प्रकाश नगर चौराहे पर उनकी मूर्ति लगवाने एवं चौराहे का सौंदर्यकरण कराने की मांग की। महासभा की प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमारी पाल ने कहा कि लाइन पर प्रकाश नगर चौराहा का नाम लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर चौक के नाम से नगर निगम में पंजीकृत है, जिसका निर्माण सन 2010 में नगर निगम द्वारा कराया गया था। वर्तमान में यह चौराहा चीर्ण शीर्ण अवस्था में है। स्मार्ट सिटी में लगभग सभी चौराहों का सौंदर्यकरण कराया जा चुका है, परंतु अनेक बार नगर आयुक्त को ज्ञापन देने के बाद भी इस चौराहे का कोई भी कार्य नहीं कराया गया, सिर्फ आश्वासन देकर टाल दिया गया। मुरादाबाद स्मार्ट सिटी में यह एकमात्र चौराहा है जो पाल समाज की आस्था का प्रतीक है। लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर चौराहे पर मूर्ति स्थापना एवं सौंदर्यकरण का कार्य लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर के जन्म दिवस 31 मई से पहले कराने का आदेश पारित करने के लिए मंडल आयुक्त से कहा गया है। इस दौरान महानगर अध्यक्ष प्रदीप कुमार पाल, महानगर मंत्री रीता पाल, मीडिया प्रभारी गोविंद पाल, मंडल महामंत्री नितिन पाल, सुभाष पाल, राजेश पाल, अजय वीर पाल, एसटी सिंह, भूपेंद्र पाल, विनय पाल आदि पाल महासभा के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। आज जो आपने ज्ञापन दिया है, क्या मांग है आप लोगों की जिसको लेकर आपने ज्ञापन दिया है? हमारा लोक माता अहिल्याबाई होलकर चौराहा है लाइन पार में, वो चौराहा 2010 में नगर निगम ने सौंदर्यकरण कराया था, वो प्रस्तावित भी है, वहाँ से पंजीकृत है, और उसके बाद आज तक सारे स्मार्ट सिटी है, चौराहे सब सौंदर्यकरण हो रहा है। हमने कई बार नगर आयुक्त को इसके ज्ञापन भी दिया था, लेकिन कोई कहीं सुनवाई नहीं हुई और वो चौराहा बहुत बुरी अवस्था में पड़ा हुआ है। अभी 31 मई को लोक माता अहिल्याबाई होलकर का जन्मदिन आ रहा है। पाल समाज चाहता है कि हम लोक माता अहिल्याबाई होलकर चौक पे ही लोक माता अहिल्याबाई होलकर अपने का जन्मदिन अपने तरह से मनाएं, तो उससे पहले मूर्ति स्थापना और उसके सौंदर्यकरण की हमने मांग रखी। क्या आश्वासन दिया है? क्या ठीक है, हो जाएगा।